मेंटल प्लेन ने सबको मेंटल किया हुआ है तो जितना वो है उतना है नहीं इसकी अगर डेफ्थ में जाएंगे वो फ्लाइंग स्टार कहलाता है सेवन पिलर थ्योरी है एट पिलर थ्योरी है फाइव पिलर थ्योरी है फैंगशू के अंदर जिसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोल सकते हैं ठीक है ना वो उसमें आता है वो उसका एक पार्ट क्योंकि नरेश सिंगर आपके सामने खड़ा है इंडिया में सबसे पहला शख्स जिसने लोशो ग्रिड को लॉन्च किया मेरे गुरुजी ने एक बात जोड़ी बताई थी बांटते हैं तो बढ़ता है और ये सच है दस सेकंड की एक्सरसाइज है और बताइए नॉर्थ कहां पे है उस तरफ उंगली कर दीजिए इशारा कर दीजिए हाथ खिला करके नॉर्थ फटाफट करिए भाई कुछ लोग मंथन में हो गए हैं अब आंख खोल लीजिए आंख हाथ धो रखिए चारों दिशा में नॉर्थ हो गया विद्या कंठ और पैसा गंठ जेब में ठीक है ना जितने भी आज भी बड़े लेवल की जो स्टडीज हैं हायर लेवल की उसके अंदर पेन पेपर अलाउ नहीं होता वैसे मेरा जो कंसेप्ट था कुछ कस्टमाइज वास्तु है सबको मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वास्तु कैसे करें कि मोस्टली लोग नंबर्स के लिए मेरे को जानते हैं ऐसा ही है लोशो गड ठीक है ना जैसे उन्होंने बोल दिया नंबर के जादू ऐसे बहुत बहुत कुछ बोल देते हैं जब समुद्र मंथन हुआ ये सुमेरु पर्वत जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो जब किसी चीज़ को मूव किया जाता है तो कोई चीज़ पुली टाइप की कोई चीज़ चाहिए होती है ना तभी तो अच्छे से मूव होगी टेक्निकल बात है तो भगवान ने अपने एक कछ्प रूप यानी कछुआ बन करके उस सुमेरु पर्वत के नीचे चले गए और फिर उसमें जो मूवमेंट हुई उससे उस कछुए के ऊपर में कुछ निशान घर्षण से रगड़ी से निशान पड़ गए वो निशान कौन से हैं जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं इसके अंदर में जहाँ पे ये नौ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये नौ डॉट पड़ गए मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से एक नंबर किसका है सूर्य चंद्रमा गुरु ना राहु बुध शुक्र मत्स्य पुराण के पांच सौ बारह नंबर श्लोक में ही दिया गया है कि पेड़ लगाना पुत्र दस पुत्रों के बराबर है तो एक नंबर की हम बात करते हैं ये एक नंबर इमोशन का है प्लानिंग का है किसी का इमोशंस का प्लानिंग का और बॉडी के अंदर कितना पानी है उसको भी हम इससे पता कर सकते हैं और अपने वचनबद्ध कमिटमेंट किससे हमने बात कर ली कह दिया आज तुम्हारे को बुलाना है आज तुम्हारे को खाने पे या जो भी ये पैसा देना है वचन के लिए तीन नंबर की तीन नंबर की डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट और इसके लिए कहाँ पे आएगा ये लोग लिक्विड इनकम का भी बात कर सकते हैं यानी ताज़ी इनकम दिहाड़ी लगाना नौकरी करना डेली इनकम आ जाए ना फिक्स है चार नंबर की बात कर रहे हैं हम चार नंबर किसके लिए कहाँ पर साउथ ईस्ट और ये किसके लिए वुड एलिमेंट फोर एंड थ्री वुड एलिमेंट है मैं इसलिए पहले एक एक करके बता रहा हूँ फोर एंड थ्री वुड एलिमेंट है इसके भी लगभग लगभग सेम ही है सात नंबर किसका है वेस्ट वेस्ट दिशा में लिखा जाएगा वेस्ट मीन्स वेस्ट ठीक और वैसे मैंने किसका बताया था आपको न्यूमरोलॉजी में थोड़ा याद हो तो अध्यात्म का केतु का ना ये लेकिन इसमें अभी केतु नहीं लगाना लोग मिक्स कर देते हैं खिचड़ी बन जाती है तो खिचड़ी का तो खिचड़ी वाला टेस्ट होता है कोई एक नंबर बोली एक से लेकर नौ के बीच में फोर फोर नंबर फोर नंबर किसका होता है ऑकल साइंस का भी होता है इसलिए आगे रहस में विज्ञान सीखने के लिए है ना और आपका नाम अरुण अरुण ए से इनका नाम इनको पूछो इनके फादर का नाम वी से है क्या जी पत्नी का नाम आर से जी देखो तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि आप मेरे बंदे हो नहीं 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 <laughs> मैं पहली बार ही मिला हूँ आपसे आप, आप सबको डिफेंस पर्सन की इज्जत करनी चाहिए जिस भी फील्ड में हो जिस भी उसमें हो ठीक है ना आप कोई भी जब भी आप इनकम जनरेट करते हैं आप सौ रुपये कमाते हो जो भी आपने रखना हो एक हिस्सा देश के नाम का भी रखना चाहिए कोई एक नंबर बोलिए एक से लेकर नौ के बीच में आप ध्यान से देखिए मैं एक नंबर पूछता हूँ सामने देखता हूँ ठीक है ना तब कुछ बताता हूँ ससुर जी का नाम है जी माइक बोलिए जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक अगर आपको याद हो जब आप छह साल के थे आप हॉस्पिटलाइज हुए होंगे हाँ जी ए से इनके पास कोई बेटा है एम से इनके हस्बैंड का नाम है जी बिल्कुल आप कभी आओगे मैं मैं जब देखता हूँ ना मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज आपने वेज खाया नॉन वेज खाया मैं किसी भी विद्या को मना नहीं करता हूँ मैं कॉफ़ी कप को भी मना नहीं करता हूँ टेर रीडिंग को भी मना नहीं करता हूँ मैं फेस रीडिंग को भी मना नहीं करता हूँ सब चीज़ एग्जिस्ट करती हैं लेकिन जो कर रहा है उसको कितना आता है डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए सीधा सीधा आंसर चाहिए जो चीज़ डिप्लोमेटिक है मान लो धुंधली है नहीं दिखाई दे रही और बोलो कि नहीं जी क्लियर नहीं हो रहा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर को लोग गाली इसलिए नहीं देते क्योंकि डॉक्टर बोल देता है कि जीता रहा तो हमारा मर गया तो तुम्हारा पैसे पूजे लेंगे पूजा स्थल के अंदर कभी स्टैचू नहीं रखा जाता मूर्ति नहीं रखते क्योंकि मूर्ति रखने का मतलब प्राण प्रतिष्ठा किचन के अंदर जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक ग्रेनाइट का नहीं होना चाहिए ब्लैक नहीं होना चाहिए क्योंकि हाउस वाइफ अगर हाउस वाइफ काम कर रही है तो उसको जो है हीट जो है एटी फाइव परसेंट तक बाहर फेंकता है ब्लैक कलर वैसे ब्लैक कलर हीट को ऑब्जर्व भी करता है लेकिन स्टोन की यहाँ पर बात हो रही है तो वो बाहर फेंकता है तो महिलाओं को नाभि से नीचे की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं यदि है तो सिर्फ उसके नीचे में वाइट मार्बल रख दिए तोड़ना फोड़ीना कुछ नहीं है जिस किसी को डर लगता हो ना डर लगता हो घबरा के उठ जाता हो नींद में ठीक है ना वैसे इनसिक्योरिटी सी लगती हो कि मम्मी आप चलो साथ में डॉक्टर के पास जाना है तो कहेगा वाइफ पे तू चल साथ में इतना बड़ा हो गया डॉक्टर के पास जाना है कि डकैत के पास नहीं जाना उसके बाद भी कहेगा पत्नी कहेगा तू चल साथ में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस इसका से लूजता उनको खंडा साहब पहनना चाहिए बचलते वो सिगरेट नहीं पीते हों मेरे गुरु बोलते थे कहते किसी का बर्तन खाली हो ना कहते उसको छोटा नहीं मान लेना चाहिए जरूरी नहीं मांगने आया हो सकता बांट के आया हो तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं है तो ये नहीं मान लेना चाहिए गरीबी होगा कभी कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ में देखना पड़ता है ये कौन सा है अर्थ एलिमेंट है मेटल एलिमेंट की वजह से देखते हैं इसको सेवन एंड सिक्स की वजह से सेवन एंड सिक्स मान लीजिए बिल्कुल नहीं है तो तो ये ठीक है अगर सेवन डबल सेवन आ रहा है डबल सिक्स आ, आ रहा है तो शुभ नहीं है हमारी आंखें आंखें ही नहीं होनी चाहिए कैमरा होना चाहिए मैं जब किसी के घर में गाड़ी से उतरता हूँ ना मेरी विजिट वहीं से स्टार्ट होती है तो शॉर्ट में बात यह है कि मेरी विजिट वहीं से बाहर से ही स्टार्ट हो जाती है आदमी रोज़ उस घर से आया जा रहा होता है उसको नहीं पता था यहाँ सेप्टिक टैंक का ढक्कन लगा हुआ है उसके घर के बाहर से लाइन जा रही थी रोज़ जा रहा था बीसवें साल से जा रहा तो मैं आया जा बैठा मैं कहा जी वहाँ सेप्टिक टैंक लगा हुआ है वो घड़ी हुए में आपके बच्चे की है। और उसके अंदर जो फोटो लगी हुई है कहता हाँ तो जी बर्थडे पर ले दीजिए मैं कहा अब है नहीं कहता नहीं जी अब नहीं है फीलिंग्स ना इनकी लैक ऑफ फीलिंग्स की बात हैं और ये लोग अपने टारगेट को याद रखते हैं एक तरीके से माइनस वे में बोल रहा हूँ मैं नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तो वर्कशॉप करनी है बाकी तुम जाओ आगे में मुझे तो पैसे चाहिए मुझे तो नहीं यहाँ पे 200 सौ स्टूडेंट चाहिए ये अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर कर देते हैं एट नॉन प्रैक्टिकल होते हैं बड़ी बड़ी बातें कर देंगे भाई ऐसी कंपनी खोलते हैं देखो छोटी चीज़ करके करेंगे क्या ठीक है ना जैसे हमारे पे भारत है लानी है तो मर्सडीज लानी है अब तो मर्सडीज़ का भी ज़माना चला गया अब तो इन्फिनी लानी है ठीक है ना? इस तरीके से अरे मैं तो वैसे बता रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ से नहीं बताता तो ना जब वो मुझे मंच पे आके फायर बता गया है तो मैं भी तो कुछ बताऊंगा कुछ लोग वास्तु या एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं टेरो रीडिंग जिसमें ज़्यादा खोपड़ी ना लगे कि मैं क्या करती मैं टेरो रीडिंग करती हूँ क्या बताते हो हाँ बता सकते हो जी आपका ये पत्ता निकला है जी अच्छा पत्ता बता दिया अब पत्ते के बाद पत्ता नहीं निकलता उसको पूछो शादी कब होगी नहीं ये नहीं पता लगता अच्छा बेटा होगा नहीं होगा नहीं ये नहीं पता लगता अच्छा उसको ना अभी वो हॉस्पिटल में है वो उसको दो दिन में बच्चा होना है ठीक है तो क्या होगा ये तो अब डॉक्टर को पूछ लो जी अरे नहीं मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ आप समझो बात को मुझे तो पता भी नहीं है मुझे न, मैं किसी को फोकस करके नहीं बोल रहा हूँ मैं तो मतलब भाई सब तो मेरी जात में के हैं तो मैं तो अपने लिए ही तो बोल रहा हूँ ये बात अच्छा आप इस चीज़ से समझो ना मैं मैं तो अपने आप को गेंडा बोल रहा हूँ ना भाई आप में से किसी को थोड़ी बोला आप समझो बात को